अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, हैं शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, बुजदिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, बुजदिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, समझ बैठे हैं उनको, समझ बैठे हैं उनको, तारीख 72 की बता क्यों नहीं देते, तारीख 72 की बता क्यों। अच्छा, आपने हौसला बख्शा है। देखिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत समझदार शायर हूं, पेशे से सोलिसिटर हूं, हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूं, 2002 से प्रैक्टिस है, 20 साल की प्रैक्टिस हो गई है 19 साल की। अब मैं, मुझे जो अपने पेशे से मोहलत मिलती है, कुछ कलम बंद करने की कोशिश करता हूँ। मैं पढ़ने से इसलिए नहीं डरता, हक बात कहने से इसलिए नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और इससे कोई बच नहीं सकता। और इस बात पर ईमान है कि जब जहाँ जिस वक्त जिस कंडीशन में मौत आनी होगी, उसी कंडीशन में आएगी। जब तक जिंदगी है, कोई मौत के घाट भी नहीं उतार सकता और मर भी नहीं सकता इंसान, जब तक अल्लाह राजी ना हो। अब यहां से मैं शेर पढ़ता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, आप सब ने हौसला बख्शा है, हमारे दोस्त यार शायर बरादरी जो है और पूरे स्टेज पे जो हजरात तशरीफ रखते हैं, इन सब की दुआएं हासिल हुई हैं। मैं पढ़ता हूं चार मिसरे बतौर खास, जहां जहां हजरात हैं मुलाजा फरमाए। मैं ये जो मिसरा पढ़ रहा हूं, एक मिसरा, पहला मिसरा किसके लिए पढ़ रहा हूं, मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, आपको हमें दाद दे के ये बताना है कि मिसम गोपालपुरी, हम समझ गए कि ये मिसरा आपने किसके लिए कहा है। अब आपको मैं मिसरा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ऐ वक्त के फिरौन, समझ गए, इधर वाले थोड़ा कम समझे, इधर वाले, हाँ, ऐ वक्त के फिरौन तुम इसम की भी सुन ले, ऐ वक्त के फिरौन तुम इसम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा, तुम इसम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। और ये जितने भी लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, किसके कहने पे कह रहे हैं, ये चौथे मिसरे में नतीजा आएगा कि ये किसके बहकाने पे बहक रहे हैं और किसके गुमराह होने पे गुमराह हो रहे हैं। ऐ वक्त के फिरौन तुम इसम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा, ये तय है के टूटेगा तेरा जल्द तकबुर, ये तय है, चौथे मिसरे में सबके हाथ खुलने चाहिए, ये तय है के टूटेगा तेरा जल्द तकबुर, तेरा जल्द तकबुर, तेरा जल्द तकबुर, अमेरिका तेरा खात्मा ईरान करेगा। ऐ वक्त के फिरौन तुम इसम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा, ये तय है के टूटेगा तेरा जल्द तकबुर। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ईरान शिया कंट्री है, जी नहीं, अगर ईरान शिया है तो फिलिस्तीन पे जब मुसीबत आई थी तो ईरान ने साथ दिया था, और वहां शिया नहीं है,
मामला ये है, एक भाई को दूसरे भाई की हिफाजत करना और उनकी नुसरत करना, यह इस्लाम का पैगाम है। तो बनामे मुस्लिम, बनामे इस्लाम जो रसूल ने हिदायत की है उसके तहत, बाकी आप ये भूल जाइए, हम और आप तो इसी में पूरी ज़िंदगी हमारी ख़त्म है कि ये शिया है, वो सुन्नी है, वो वहाबी है, वो देवबंदी है, वो ये है, वो है, हमारी ज़िंदगी इसी में ख़त्म है। हम इससे हट के कभी कुछ सोचते ही नहीं हैं। अब सुनिए, आए वक्त के फिरौन तुम इस हम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा, ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकबुर, अमरीका तेरा खात्मा ईरान करेगा, गुलशन हिंद को। अमा लो यार, मूड में आ गया हूं मैं भी आ गया। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं हो। इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह, इतना बेजान हूँ, इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों, क्या बात, क्या बात, की तरह फूल चुभते मेरे जिस्म में। आप नीचे आइए ना, ये तरीका थोड़ी नहीं है कि आपके बाप दादा की उम्र के लोग ऊपर बैठे हैं और आप उनके ऊपर चल के बैठे हैं। मान ले यार, इतना बेजान हूँ, क्या बात, एहसास के मारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, कुछ तो हो दिल को सुकून खाओ मेरे सर की कसम, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ तो हो खाओ मेरे शरीर की कसम, छोड़ कर अभी तो न जाओगे बहारों, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, छोड़ कर अभी तो न जाओगे बहारों की तरह। नबील मकरानी साहब कहाँ हैं, किधर, माशाल्लाह ये भी बिल्कुल चलती फिरती आत्मा है, अभी दो सेकंड पहले इधर देखा था, अब इधर आ गए, हाजिर करता हूँ, और कन्वीनर मुशारा है। मैं ऐसे अपने छोटे भाइयों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी महफिल, इतनी प्यारी बज्म सजाई और इतने अच्छे सुनने वाले इकट्ठा किए और मुशायरा को मुशायरा बनाया।
अदब की एक शमा रोशन की। मैं ऐसे जियालों को सलाम करता हूँ, बल्कि मैं नहीं, हर वो शख्स जो अपने सीने में इंसाफ पसंद दिल रखता है। ऐसे उर्दू और हिंदी से मोहब्बत करने वाले लोगों को बिल्कुल प्यार और मोहब्बत भरी निगाह से देखना चाहिए। आप देख रहे हैं, इसका सबूत फराहम कीजिए। मैं चाहता हूँ कि पूरे मुशायरा कमेटी के लिए एक ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ, ताकि ये इसी तरीके से बज़्म को सजाते रहें। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, फूल चुभते हैं, कुछ तो हो दिल को सुकून। खाओ मेरे सर की कसम, छोड़ के अब तो न जाओगे बहारों की तरह, छोड़ के अब तो न जाओगे बहारों की तरह, छोड़ के अब तो न जाओगे। अब सुनिएगा शेर, कोई चारा न रहा। भाई शेर सुनना पूरी तवज्जो। क्या बात। कोई चारा न रहा तरीके ताल्लुक के सिवा, कोई चारा न रहा, सुनना नबील, तरीके ताल्लुक के सिवा कोई चारा न रहा, तरीके ताल्लुक के सिवा बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। कोई मैं शेर पढ़ता हूँ, स्टेज पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सिर्फ उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखें, आपको अंदाजा लग जाएगा कौन कितनी मोहब्बत करता है और कौन कितना प्यार करता है। हाजिर करने दो मिसम भाई को। कोई चारा न रहा तरीके ताल्लुक के सिवा बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। बहुत बढ़िया। इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। अब सुनिए शेर, और मैं देखना चाहता हूँ इस पिंडाल में, इस नुमाइश ग्राउंड में, इस मैदान में, इस कॉलेज के ग्राउंड में जितने लोग मुशायरा सुनने वाले हैं, ये अपने सीने में कितना बड़ा दिल रखते हैं अभी पता चल जाएगा। मैं एक बहुत प्यारी और सच्ची बात और हक बात कहने जा रहा हूँ, मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा और दाद से ताईद कीजिएगा कि मैंने सही कहा। शेर सुनिए बतौर खास मुलाजा फरमाए। कोई चारा न रहा तर के ताल्लुक के सिवा, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। मैं शेर पढ़ता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, वो शेर बात का है, उससे पहले का शेर सुन लीजिए आप। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, जिसको मां बाप की होती है दुआएं हासिल। माशाल्लाह, क्या बात है मीसम। जिसको माँ बाप की हो, जिसकी दाद नहीं आए, ताली नहीं आए, वावा ना आए, समझ लीजिए वही महरूम है। जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों।
की तरह। क्या बात है मीसम भाई, बहुत बढ़िया। मुकर्रर पढ़े मुकर्रर, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। मैं रब्बानी भाई माला जाते ना डाल। वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। इतना बेजानी हूँ एहसास के लोग हंसे हंस के मेरा खून जिगर पीते हैं। लोग हंसे हंस के मेरा खून जिगर पीते हैं। लोग हंसे हंस के मेरा खून जिगर पीते हैं। मैं सुलगता रहा बेजान सिगारों। लोग हंसे हंस के मेरा खून जिगर पीते हैं। मैं सुलगता रहा बेजान सिगारों की तरह। मैं सुलगता बेजान सिगारों की तरह। साथ रहे सकते हैं। इस शेर को सुनना और काफिया पर्दा चाहूंगा। और जो हजरात बहुत गाढ़ी शायरी नहीं समझ पाते उनसे मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ, उन लोगों से जो नहीं समझ पाते वो मेरी तरफ देखेंगे, मेरे इशारे से इस शेर तक वो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे इसके नतीजे तक। बतौर खास मुलाजा फरमाए। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। साथ मैं बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूं। ये जो उलमा बैठे हैं जिनके सरों पे टोपियां हैं ताज की तरह से, उनको सलाम करता हूं और उनकी उनको उनकी खिदमत में शेर पेश करता हूं, उनकी समातों के हवाले करता हूं। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। कितने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। कितने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। जब चाहा जिसे चाहा जिस घर से चाहा उठाया और आतंकवाद का सर्टिफिकेट दे दिया। अब मैं शेर पढ़ता हूं। बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे। बेखता आज जो सूली
चढ़ाते हैं हमें बेखता, आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, कल मेरी खाक वो, कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों की तरह। कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों की तरह। फूल चढ़ते सिलसिले का आखिरी शेर, खत्म दुआ मैं अपनी जगह लूंगा और इंशाअल्लाह ताला सिलसिले का आखिरी शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और जिसने अब तक दाद नहीं दी है वो दाद दे के मुझे यकीन दिला देगा कि मैंने आपको सारे अशार सुने और सारे अशार पे मैंने दाद दिए। मैं सिलसिले का आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, पूरी तवज्जो मुलादा फरमाए। कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों की तरह। देखिए हमारे नदीम शाद दोस्त हमारे और बिलाल भाई, ये लोग मुझे अशार जो मैं कटौती कर रहा हूँ ना इस गज़ल से, वो सब सुना रहे हैं मुझे वहाँ से कि वो शेर छोड़ना नहीं है। देखिए ये सब तायीद कर रहे हैं। कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों की तरह। माँ का चेहरा ही, ध्यान रखिएगा, बीबी का नहीं, महबूबा का नहीं, हाँ डार्लिंग वार्लिंग का नहीं, ध्यान रखिएगा। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे ऐ मीसम, माँ का चेहरा वो चेहरा है जिसे मीसम रोज पढ़ता हूं मैं कुरान के पारों। पांच मिनट आराम करने दीजिए, और पढ़वा देंगे। बैठिए आप, बैठिए, चुप जाओ, चुप जाओ, बहुत देर से पढ़ रहे हो, चुप जाओ, चुप जाओ, पांच मिनट का वक्त दे दीजिए और किसी सोने को सुन लो। सब चुप जाए, अपनी जगह बैठ जाए सब भाईजान, और चुप जाओ। हेलो हेलो भाई साहब, पांच मिनट का वक्त दे दो इन्हें, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, थक गए। सब चुप जाए, अपनी जगह बैठ जाए, आ चुप जाओ, अपनी अपनी जगह पकड़ लो, अपनी जगह पकड़े, अपनी जगह पकड़े भैया। पहले सरदार के खुतबा होगा, बाद में मिसम भाई पढ़ेंगे, पहले सरदार के खुतबा होगा। हेलो, हेलो, कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों की तरह। कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों की तरह। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम, माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों की तरह। रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों की तरह।